जो भी आप भाई पीएम कराए होंगे तो बगैर पीएम के तो निकलेगा नहीं, कारण क्या नहीं कराए वो सही चीज बता दें। सर एक फोटो कर लीजिए कि अभी सर आ जाना कर कब एक गौशाला में गोवंश मरने का मामला सामने आया, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई या क्या है पूरा मामला? कल एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कुछ गौवंश का जो निस्तारण किया गया था, गड्ढे बहुत जो गहरे होने चाहिए थे कम गहरे थे, तो उसके कारण कुछ जैसे कुत्ता है कुछ जानवर मिट्टी हटा के इधर उधर मतलब उन्होंने करके, और उनका वीडियो आया था। तो उसके जब हम लोग मौके पर आए जाँच किए तो हम लोगों ने देखा कि लगभग 10 से 12 जो जान मतलब मृत पशु थे, तो उन कुछ नीचे थे कुछ ऊपर थे, तो उनको हम लोगों ने नियमानुसार गहरे गड्ढे करा के उनको निस्तारण कराया गया। और इसमें जो भी लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे, जैसे ग्राम प्रधान थे, ग्राम विकास अधिकारी थे और पशु चिकित्सा अधिकारी थे, तो इन लोगों ने उस प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया था, तो इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई की गई। वो आगे तो बना लो। मामला आया सामने जी जी, क्या है पूरा मामला और क्या बताया गया? इस संदर्भ में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज से 3 महीने पहले इस गौशाला के बारे में जो जनश्रुति और शिकायतें प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा प्राप्त हो रही थी, उससे स्पष्ट था कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में पशु कुपोषण का शिकार होकर मर रहे हैं, उनकी चिकित्सा आदि की कोई व्यवस्था नहीं। इस संदर्भ में एक ज्ञापन सिंघौर तारा की गौशाला और कोडरा गौशाला को नामित करते हुए माननीय SDM लालगंज को दिया गया और उनसे निवेदन किया गया कि महोदय इसको संज्ञान में लेकर इन परिस्थितियों का निराकरण करने की कृपा करें। 3 महीने बाद कल रात में निराकरण का एक नायाब तरीका देखने को मिला, जब 200 पशु गोवंश बगल में ही जंगल में दफनाए गए JCB के द्वारा। तहरीर में अंकित केवल 6 पशु इस गौशाला में दिवंगत हुए, बाकी सारे गांव में मर गए और वो गांव के पशुओं के साथ उनको निस्तारित किया। संक्रामक रोग न फैलने पाए इसके लिए CBO जैसे जागरूक व्यक्ति ने महान कार्य किया। यह इतनी लचर पचर धारा है, इतना लचर जिम्मेदारी है ही नहीं। इस समय भी 100 से अधिक गौ माताएं और गौवंश यहाँ पड़े हुए घायल बीमार मरणासन्न अवस्था में, ठीक इनमें से रात भर में कम से कम 10-20 तो निश्चित मर जाएंगे, लेकिन CBO को महान CBO को केवल 6 मृत पाए गए और उनको भी दफनाया गया गांव के मरे हुए पशुओं के साथ मिलाकर के। कितना महान कार्य हो रहा, माने इस तहरीर के अनुसार कोई जिम्मेदार नहीं, ना डॉक्टर जिम्मेदार है, ना जिनके ऊपर जिम्मेदारी गई इनको चारा पानी कराने की उनकी कोई जिम्मेदारी है, सभी बेबाक हैं। ये एक मौके की नजाकत को देखते हुए प्रशासनिक मिली भगत के साथ ये फर्जी तहरीर दर्ज कराई गई। कुछ नहीं होना है, संबंधित पुलिस अधिकारी भी इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके कारण से किसी को दंडित किया जा सके या किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया जा सके, कुछ नहीं। इस प्रकार से ये प्रशासनिक मिली भगत गौ माताओं का, यहाँ पर एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह गंगा कटरी क्षेत्र है और यहाँ साहिवाल नस्ल और देसी नस्ल की मिश्रित गोवंश दुर्लभ गोवंश है, जिसका पूरी तरह से सफाया करने का दायित्व तो इस गौशाला के नीति नियंताओं को सौंपा गया है। जो भी आप पीएम कराए होंगे तो बगैर पीएम के तो निकलेगा नहीं, कारण क्या नहीं कराए वो सही चीज बता दें। सर एक फोटो कर कब दिन इसमें जानवर क्या है, पहाड़ मर रहे हैं,
और आप ये वन साइडेड लगा करके और ये तीसरी मान के बैठ गए कि हाँ सब ठीक हो रहा है। नहीं साहब, ये इसके लिए तो हम लोग जो है वीडियो साहब को बता दिया था, लिखित में भी दे दिया था कि सर यहाँ अलाओ और ये लगवाने की जो व्यवस्था करें। अभी वहाँ वो गरीब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उनको 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, उनको चारे का पैसा नहीं मिलता, चारे वाले भी कुछ आ गए वहाँ पर, है ना, ये सब तो चारा तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ये आप प्रमाणित करोगे एज ए डॉक्टर, तो मिल क्या रहा है जब वहाँ कुछ उनको पेमेंट ही नहीं हो रहा है। जब उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो वहाँ पर वो चारे के रूप में ये खरही दिखा करके हमको बरगला रहे हैं। हम क्या हैं, सस्पेंड कर सकते हैं ना, आपके विरुद्ध कोई वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, हम अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं आपके साथ, और उनके प्रतिनिधि बने हुए हैं जो मरणासन्न अवस्था में पड़ी हुई, उनके प्रतिनिधि बन करके हम पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, जैसे वो बेचारा चारे वाला कर रहा है, जैसे वो गोबर बहाने वाला कर रहा है। प्रधान के नाम फर्जी लिख दिया, प्रधान का इसमें क्या रोल है, चारा दोगे तो प्रधान खिला पाएगा, चारा ही नहीं दोगे तो प्रधान अपने आप को परोस देगा क्या? तो जिम्मेदार लोगों का कहीं नाम है नहीं, मिल करके कुछ कर दीजिए डॉक्टर साहब। हम लोग तो आपके बच्चे भी इनके थन का दूध ही पीते हैं, ठीक है, आज भी इनकी उपयोगिता तनिक भी कम नहीं हुई।